नमस्कार दोस्तों, जॉब्स एंड करियर में फिर से एक बार आपको बहुत बहुत स्वागत है। तो आज यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा एक जॉब के बारे में, जो देखा जाए तो राजस्थान से आपको जॉब ऑफर किया जा रहा है और HRRL के ऊपर आपको जॉब ऑफर किया जा रहा है, वो भी 2023 के लिए, और कुल मिलाकर 142 इंजीनियर एंड अदर्स वैकेंसीज है। देखिए, इंजीनियर के लिए जो पोस्ट है वो उस हिसाब से देखा जाए तो इंजीनियर के लिए बहुत सारे पोस्ट यहाँ पे दिए गए हैं। 142 वैकेंसीज है जिनमें आप टोटली अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन बेसिस में। तो किस तरीके से अप्लाई करेंगे, कहाँ से आप अप्लाई करेंगे, सारे जानकारी यहाँ पे आपको मिलेगा। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा, और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको डेली बेसिस जॉब की इन्फॉर्मेशन इसी चैनल के माध्यम से कंटिन्यूसली मिलता रहेंगे। जहाँ पे आपको प्राइवेट जॉब, पार्ट टाइम जॉब, फुल टाइम जॉब, गवर्नमेंट जॉब सब कुछ मिलने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं HPCL जो जॉब है वो राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के ऊपर है। तो राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेड के ऊपर आपको जॉब मिलेगा, और कुल मिलाकर जो जॉब है वो आपको 142 वैकेंसीज दिया गया है। जहाँ पे देख सकते हैं केमिकल इंजीनियरिंग के ऊपर 91 वैकेंसीज, इलेक्ट्रिकल के ऊपर 44 वैकेंसीज, इंस्ट्रूमेंटेशन के ऊपर 8 वैकेंसीज, मैकेनिकल के ऊपर 20 वैकेंसीज। यहाँ पे देख सकते हैं मेडिकल मेडिकल फार्म, यहाँ पे देखिए पेट्रोकेमिकल्स, सॉरी मैकेनिकल पेट्रोकेमिकल्स के ऊपर 8 वैकेंसीज, HR के लिए 1 वैकेंसीज, चार्टर्ड अकाउंट के लिए 7 वैकेंसीज, IAS के लिए 3 वैकेंसीज। कुल मिलाकर 142 वैकेंसीज यहाँ पे आपको दिया गया है। तो एज लिमिट के बारे में बात करूँ तो 25 से 46 ईयर, और वो भी कैटेगरी वाइज आपको एज लिमिट दिया गया है। तो सिलेक्शन हो जाएगा आपका इंटरव्यू के माध्यम से। पहले आपका कुछ टेस्ट लिया जाएगा, उस टेस्ट से मतलब टेस्ट में आप पास आउट हो जाते हैं तो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू लिया जाएगा। सिलेक्शन होने के बाद आपको सैलरी मिलेगा 40,000 से 1,40,000 तक। तो अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग सैलरीज है, जो कैटेगरीज के ऊपर आप पढ़ते हैं उस हिसाब से सैलरी को जरूर यहाँ पे फाइंड आउट करिए। एप्लीकेशन का फीस है जेनरल OBC के लिए आपको 500 रुपीज़, SC ST के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो एप्लीकेशन करने के लिए आपको जो एडुकेशन क्वालिफिकेशन की जरूरत होगा, देखिए आपको डिप्लोमा, MBA, MCA, इंजीनियरिंग डिग्री, चार्टर्ड अकाउंट, लॉ, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आप कंप्लीट कर चुके हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप कहेंगे सर इतने सारे सब पोस्ट के लिए क्या सब कुछ क्वालिफिकेशन चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। आप इंजीनियर हैं तो उस इंजीनियर मतलब मान के चलिए आप केमिकल इंजीनियरिंग पास आउट कर चुके हैं तो उसके ऊपर आप अप्लाई करने के लिए आपका क्वालिफिकेशन भी केमिकल इंजीनियर के ऊपर होना चाहिए। मान के चलिए आप CA के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको चार्टर्ड अकाउंट कोर्स पास आउट होना चाहिए। आप लॉ के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो लॉ के पास आउट आपको होना चाहिए। तो आप कैटेगरी वाइज आपका सिलेक्शन यहाँ पे एडुकेशन क्वालिफिकेशन दिया गया है। इसका लास्ट डेट रहेगा 26 जनवरी, उससे पहले आपको अप्लाई करना होगा। तो किस तरीके से अप्लाई करेंगे उसका डिटेल्स मैं आपको यहाँ पे दिया हुआ हूँ दो अलग अलग लिंक में, जाकर आप चेक कर सकते हैं। उससे पहले आप जाके जरूर टेलीग्राम को ज्वाइन करिए उस और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। तो पहले नोटिफिकेशन में क्लिक करना, तो आपके सामने इस नोटिफिकेशन के ए पेज ओपन हो जाएगा। ध्यान से इस पेज को देखना और इस नोटिफिकेशन को ध्यान से चेकआउट करना। उसके बाद आप जिस पोस्ट में अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट का जो क्वालिफिकेशन है वो यहाँ पे डिटेल्स में आप चेकआउट कर सकते हैं। तो उसके बाद ये सारे चेकआउट करने के बाद आपको क्या करना है, आपको कंपनी के जॉब के अप्लाई करने के लिए आपको अप्लाई बटन में क्लिक करना है। तो अप्लाई बटन में जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस पेज ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको जो रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर क्लिक करिए। यहाँ पे देखिए क्लिक हियर टू अप्लाई में क्लिक करना होगा। तो जब क्लिक हियर टू अप्लाई में क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरीके से पेज ओपन होगा। तो इस पेज में जाकर आप जो रिक्वायरमेंट में आप क्लिक करना चाहते हैं, जो रिक्वायरमेंट आप चाहते हैं, तो इसका देखिए अलग अलग मतलब कैटेगरीज वाइज दिया है। तो जिसमें आप रिकमेंड करना चाहते हैं तो उसमें आप क्लिक करिए। उसके बाद आप ओके करिए। उसके बाद आप फॉर्म ओपन हो जाएगा, इस फॉर्म को ध्यान से भर दीजिएगा। तो आशा करता हूँ सारे जानकारी आपको मिल चुका है। मेरे वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट करना। इसी तरीके से कंटिन्यूअसली वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मित्र नेक्स्ट नया जॉब लेके तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय।